कुल एक्टिव इन्फेक्शन केसेस हैं प्रदेश में 56,459, उनमें से 28,609 होम आइसोलेशन में हैं इस समय, और अब तक होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग 1,08,056 कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा किया जा चुका है, उनके द्वारा होम आइसोलेशन का विकल्प लिया गया है, और इन 1,08,056 संक्रमित लोगों में से 79,447 अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ करके और संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवाते हैं, वैसे 2,796 लोग अपना इलाज निजी चिकित्सालयों में जो कोविड के लिए कन्वर्ट हुए हैं उसमें करवा रहे हैं, और जो सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी है, जहां लोग होटलों में रहते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि डबल ऑक्यूपेंसी का, रहने का और भोजन का व्यय मिला करके डबल ऑक्यूपेंसी पर 2,000 रुपये कमरे का रेट होता है, जिसमें कि एक व्यक्ति को सिर्फ 1,000 प्रतिदिन देना पड़ता है, और उनसे चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए एक टोकन 2,000 रुपये की एकमुश्त राशि ली जाती है। तो जिनके घरों में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होती है, उनके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि वो जो सरकारी व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जो उनकी स्थिति हो उसके अनुसार वो उन अस्पतालों में भर्ती होकर बिल्कुल निःशुल्क अपना इलाज करवा सकते हैं, और दूसरा विकल्प ये भी है कि अगर वो लक्षण रहित हैं और वो चाहते हैं कि घर में जगह पर्याप्त नहीं है और लोगों को उनको लगता है कि उनसे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वो सेमी पेड L1 प्लस में भी आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी में इस समय 262 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में अब जो कोरोना के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, कोविड हेल्प डेस्क, विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में, विभिन्न उद्यमों में, उनकी संख्या अब 62,965 हो गई है। एक बहुत ही व्यापक इसका नेटवर्क तैयार हुआ है कोविड हेल्प डेस्क का, जहां उन कार्यालयों में आने वाले और उन प्रतिष्ठानों में आने वाले लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग हो पाती है। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत सारे विभागों का निरीक्षण किया गया है, और मैं स्वयं भी NHM के ऑफिस का निरीक्षण करने गया था। वहां मैंने देखा कि जो जहां से प्रवेश करते हैं वहां जो रजिस्टर रखा हुआ है, वहां पर कौन व्यक्ति कितने बजे आ रहा है, और उसके साथ साथ सामने उसका टेम्परेचर भी रिकॉर्डेड था कि कितना तापमान है उस व्यक्ति का जब कार्यालय में प्रवेश कर रहा है, तो इससे एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग भी हो जा रही है। तो इस प्रकार के कोविड हेल्प डेस्क 62,965 मौजूद हैं, और अब तक इनसे 7,11,592 लक्षणात्मक लोगों का चिन्हांकन भी किया जा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।